किस तरह से इन्होंने जो है वो इतनी हिम्मत के साथ लोगों की जान बचाने की कोशिश की। बहुत बड़ा खौफ भी आता है समंदर को देख के। समंदर का पानी अपने जो है वो काबू से बाहर हुआ हुआ। क्यों ना तैरना आता है तो हम एक नेकी का काम किया जाए, किसी की लोगों की जान बचाई जाए। मेरी तनख्वाह शुरू हुई है 2012 से। वो बड़ा डेंजरस हो गया था, जो उस वो पे भी आपके एक्सपीरियंस का सबसे खतरनाक था। लोग अफरा तफरी में निकलते हैं, बीच में एक पानी का राउंड था चक्री, उसके अंदर वो पड़े हुए, एक में से बंदे डूबे। जब मैं घुमा के रिप करंट से वापसी आ रहा हूँ तो दूसरे में आगे गिर गया। बंदा जा रहा है ना, आप उससे पूछोगे ना कि भाई आगे खतरा है कि नहीं है, तो आपको बता देगा कि भाई यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। रेस्क्यू गार्ड हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद, और इन्होंने पिछले साल एक बहुत बड़ा जो है वो कारनामा अंजाम दिया था कि अपनी जान पर खेल के, जिसमें ये खुद भी जो है वो बहुत ज़्यादा और इनके साथी भी बहुत ज़्यादा रिस्क का शिकार हो गए थे, बहुत ज़्यादा ख़तरे में आ गए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने उस चीज़ की परवाह ना करते हुए जाके जो है वो 5-6 लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की थी। उसके बाद फिर किसी को जो है वो ज़िंदा बचा भी लिया था। वो वाक़या क्या था, किस तरह से इन्होंने जो है वो इतनी हिम्मत के साथ लोगों की जान बचाने की कोशिश करी और किस तरह से ये मजीद यहाँ पर जो है वो अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहजाद भाई बताइएगा कि ये समंदर देखने में खूबसूरत तो लगता है, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा खौफ भी आता है समंदर को देख के। इस समंदर में जाना हर इंसान के बस की बात नहीं है, नहीं। और वो भी ऐसे वक्त में जब समंदर का पानी अपने जो है वो काबू से बाहर हुआ हुआ, लेकिन आप लोग फिर भी इस खतरनाक समंदर में अपनी जान की बाजी लगाते हैं दूसरों की जान बचाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं पूछूंगी कि आपने ये काम करने का फैसला क्यों किया, क्योंकि ये जितना दूसरों के लिए आप लोग सर्व करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए कितना खतरनाक है ये मैं समझ सकती हूँ। तो आपने क्यों एक ऐसा काम चुना जिसमें आपकी जान का भी बड़ा खतरा है? जी, 2004 से ये NGO आई यहाँ पर, बड़ा काम किया, तो हमने इसको इनको देख देख के, उससे भी बच्चे थे हम, देख देख के तो हमें शौक पैदा हो गया। शौक पैदा होते होते फिर हम लोगों ने तैरना सीखा, फिर जून जुलाई में नहाना सीखा, नहाते नहाते फिर देखा बंदे कैसे बचाए जाते हैं, तो उसी वजह से फिर एक अलग तरह की खुशी मिली कि भाई क्यों ना तैरना आता है तो हम एक नेकी का काम किया जाए, किसी की लोगों की जान बचाई जाए। तो लाइफगार्ड सुन के नाम बड़ा फख्र महसूस होता था, तो उसी हिसाब से फिर हम लोगों ने फिर ये नेकी शुरू कर दी हमने, क्योंकि उस टाइम पे मेरी तनख्वाह नहीं थी। मेरी तनख्वाह शुरू हुई है 2012 से। अच्छा। हाँ, मेरी तनख्वाह हुई है 2012 से, और 2017 का जो वाकया हुआ था ना, जो यासिर भाई ने आपको बताया, वो बड़ा डेंजरस वाकया था, जो उस टाइम का सबसे खतरनाक दो मरतबा ऐसे वाकये हुए मेरे। आप बताएं क्या हुआ था वाकया? तो यही हुआ था, जून जुलाई थी, अगस्त का महीना था, और अल्लाह भला करे दफ़ा 144 भी लगी हुई थी उस साल भी। तो हम पुलिस के साथ गए, मना करके आए थे, बस हम यहाँ हमारे ऑफिस पहुँचे, उसके बाद खबर आई कि भाई 6 बंदे डूब गए, और लाहौर की कोई फैमिली थी वो आई थी, हाईरूफ लेके आए थे, उसमें से हम गए वहाँ पर, 3 बंदे, एक मैं था, एक मेरा भाई, और एक यहाँ पर हमारा बंदा है सईद नाम है उसका, वो भी था। तो हम गए जैसे, तो वो सब उस टाइम पे फोत हो चुके थे, मगर काफी गहराई में, बहुत आगे थे। हमें पता चला कि बंदे डूब गए, जब हम वो पहुंचे तो उसने को बोला अंदर है, जब हम अंदर गए तो एक बीच में एक पानी का राउंड था चक्री, उसके अंदर वो पड़े हुए थे। तो एक एक कर को एक एक को उठाया, तो मुझे दूर से नजर आया एक हाथ नजर आया, तो नजदीक गया तो एक माशाल्लाह जवान बच्ची थी वो। तो उस टाइम पे मेरे पास कोई चीज़ सहारा नहीं था, मगर मैंने भी फिर भी उसको मैंने पकड़ा, तो उसने ये बोला कि मैंने कलमा तो पहले पढ़ लिया था। मैंने बोला जब आपकी मौत नहीं लिखी तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने बोला जिसको अल्लाह चखे उसको कौन रखे। बिल्कुल ऐसे ही, बेशक। तो उसी हिसाब से फिर मैंने एक सहारा लिया कंधे से, उसको सहारा लेते एक ही हाथ से तैरते तैरते मैं एक साहिल पे पहुंचा, तो उस टाइम पे एक मेरा भाई आता है उस लेडीज़ को छोड़ के, वो लेडीज़ जो पहले लेके गए थे ना पहले शिफ्ट में, उनको छोड़ के वापसी दोबारा आता है,
फिर मुझे वो चीज़ देता है जो हम रस्सी टूब कहते हैं उसको, वो आके देता है, फिर मैं उसको बेल्ट करता हूँ। बेल्ट करके मैं दोबारा किनारे पे आता हूँ, मुझे पानी दोबारा खींच लेता है। और तीसरी मर्तबा दब जब मैं पहुँचने वाला होता हूँ, फिर मुझे दोबारा ले लेता है खड्डे के अंदर। जब पानी में तैर रहे होते हैं इस तरह, आप अपनी जो है ना पूरी एनर्जी इस चीज में लगा रहे हो, तो बॉडी भी थक जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, और फिर बार बार जाना और आना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसी तरह एक रिप करंट होता है। देखो वहाँ पर रिप करंट दोनों साथ थे, एक में से बंदे डूबे, जब मैं घुमा के रिप करंट से वापसी आ रहा हूँ तो दूसरे में आगे गिर गया मैं। जब दूसरे से निकला हूँ तो दोबारा मुझे पहले वाले पे गिरा दिया मुझे, तो उसी हिसाब से मैं बड़ा थक गया था। फिर बस अल्लाह ने जिंदगी दी दी, बोलते हैं ना कि एक लाइफ गार्ड बचता है तो 100 जानें बच जाती हैं। तो माशाल्लाह हमारे गोट वाले, पता चला इनको अंधेरा, मगरिब हो गई थी, अंधेरा हो गया था, इतनी काफ़ी आगे दूर चले गए थे। फिर हमारे गोट वाले आए, माशाल्लाह हिम्मत की, शाबाश है हमारे गोट वालों को भी, कक्का पीर वालों को, ये माशाल्लाह हमारे साथ वहाँ पर बड़ा तावन किया। वो आए, बस मैं वो लड़की लेके ऊपर आया, मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ था क्या था, इतना मैं थक गया था। एक वो हुआ क्या, और दूसरा यहाँ पर हुआ था, तकरीबन कोई मोहर्रम का, 10 मोहर्रम का पता नहीं 40 का 40 हुआ था, ऐसा ही कुछ था बीच में। तो उस टाइम पे एक वाकया हुआ, उसमें भी यही हादसा हुआ, उसमें अनवर भाई भी थे हमारे पेट्रोलिंग कैप्टन, वो भी थे, उसमें भी यही था। उसमें भी मेरे पास कुछ भी नहीं था, उसमें भी जवान बची थी, उसी टाइम भी मेरे पास हाथ में मेरे कुछ भी नहीं था, समझो। अच्छा, वैसे ये बेल्ट होती है, लेकिन इस बेल्ट के बगैर आपने उसको सबको रेस्क्यू किया था? बगैर उसके किया था, क्योंकि लोग ज़्यादा थे ना, क्योंकि सबसे आगे वाला है उस पर आपने पहुँचना है। अगर उस पर आप नहीं पहुँचते हो तो वो बंदा किसी काम का नहीं रहेगा। पहले बाहर वाले को पकड़ना है, पीछे वाला जाता रहेगा, जब वहाँ पहुँचेगा तब तक आप उसको छोड़ के वापसी पहुँच भी सकते हो। तो उसी हिसाब से फिर ये वाकया हुआ, इसमें भी माशाल्लाह वो भी जवान थी, 12 साल लड़की थी। ज्यादातर इसी उम्र के बच्चे जो है वो जो जवान होते हैं ना, तो उसी हिसाब से फिर वो आगे अफरा तफरी में निकल जाते हैं। और ये भी है कि लोग नाइट में आते हैं, सुबह सुबह तकरीबन 6-6:30 बजे पानी में जाते हैं, उनको पता नहीं है। मगर कहने का मतलब ये, अगर नाइट को आते हैं तो आप चौकीदार से पूछ लें, आट वाले से, या कोई आसपास में गांव है तो उनसे पूछ लें कि भाई यहाँ के हालात कैसे हैं पानी के। तो ये चीज़ें लोग नहीं पूछते हैं, ये चीज़ें बड़ी अहमियत रखती हैं कि आप एक बंदा जा रहा है ना, आप उससे पूछोगे ना कि भाई आगे ख़तरा है कि नहीं है, तो आपको बता देगा। वो बोलेगा मैं यहाँ का नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता, मगर एक मकामी लोग से आप पूछ लोगे ना तो आपको सब कुछ पूरी डिटेल दे देगा कि भाई यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। अच्छा, अब तक अपने तजुर्बे में कितने लोगों की जानें बचाई हैं, अगर कोई अंदाजन कोई गिनती है? भाई मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 25 के करीब तो की होगी अपनी लाइफ में, बचपन से लेके आज तक 2024 तक 25 की जानें तो माशाल्लाह मैंने कवर की होगी। ये मुझे इतनी समझो फ़ख्र से कह सकता हूँ। बाकी हमारा पूरा इदारा जो है वो कम से कम काफ़ी लोगों को बचा चुका है, 2004 से लेके तकरीबन 8-9 हज़ार बंदों को बचा चुका है। अच्छा, लोग जो यहाँ पर आते हैं उनको अगर आप मना भी करते हैं, तो मैंने कभी काफ़ी सारे लाइफ गार्ड से और सुना कि वो सुनते नहीं हैं, वो नहीं तवज्जो करते कि भाई अगर एक लाइफ गार्ड मना कर रहा है पानी में जाने के लिए तो वो किसी वजह से मना कर रहा है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो चले जाते हैं। हाँ, ये लोग जो है ना, लोग अफरा तफरी में निकलते हैं, सही है। एक तो एक बंदा साल के अंदर एक मरतबा आता है, या 2 साल के या 10 साल के बाद आता है, वो एक मई के टाइम पे आके चला जाता है। अब मई के टाइम पे अब यहाँ से देखो, यहाँ से लोग जंप मारे होंगे, वहाँ से लोग जंप मारे होंगे, मगर उस टाइम पे कोई ख़तरा नहीं होता। मगर वो जून जुलाई में आ जाते हैं, वो यही समझते हैं कि वही पानी है जो उस टाइम पे था, मगर ये पानी अपना रुख चेंज करता है। जून जुलाई दिनों में इस तरह लहरें उछल कर नहीं आती, बिल्कुल आपको लहरें नहीं मिलेंगी। पहली बात तो ये, आम महीनों में आ जाओ आपको नहीं मिलेंगी, लहरें नहीं मिलेंगी। सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी आपको, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। तो लोगों को चाहिए कि भाई लाइफ गार्ड को, लाइफ गार्ड की बात माने, हम भी तो खड़े हैं आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं।